हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो सा के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से पांच ऐसी गेम्स के बारे में जो बिल्कुल फ्री हैं, प्ले टू अर्न एनएफटी गेम्स, जिनको आप अपने हैंडसेट पे खेल सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फोन पे, आईओएस पे, किसी पे भी खेल सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। इसमें से कुछ गेम्स अभी कमिंग सून में है बट जल्दी आने वाली है, और कुछ गेम ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी यू कैन डाउनलोड एंड प्ले। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए आ चुके हैं एक बार फिर से। सो नंबर वन पे सबसे पहले आती है A3 Still Alive। ये 30 प्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसको खेल के आप क्रिप्टो करेंसीज में अर्न कर सकते हैं। देख सकते हैं थीम काफी बढ़िया है इसकी। जनरल बैटल रॉयल गेम्स इस तरीके की होती है, उसी तरीके का ऐसा कुछ थीम है जिसके अंदर आपको वॉरियर्स मिलेंगे, जिनके अंदर आप वॉरियर्स को यूज करके फाइट कर सकते हैं एंड कॉम्बैट कर सकते हैं, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स कर सकते हैं। अच्छी गेम लग रही है, ग्राफिक्स बड़े अमेजिंग लग रहे हैं इसके। एंड देख लेते कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिलते हैं आपको एंड कुछ इस तरीके का कॉम्बैट गेम प्ले है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी अच्छे ग्राफिक्स के साथ गेम आती है एंड मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इस तरीके के गेम को खेलने मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज तक काफी क्या होता था कि प्ले टू अर्न गेम्स होती थी लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती थी, और ये कुछ बड़ी ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ आने वाली गेम लग रही है जिसको आप जाके अच्छे से प्ले करके अर्न कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट गेम। चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। इस गेम को आप जाके प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर का पेज डेस्कटॉप पे खोल रखा है। A3 Still Alive जब मैंने सर्च किया तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, 12 प्लस रेटेड है, तो आप जाके आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्ले करना राइट अवे, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट गेम। दूसरी गेम आती है द गिल्ड ऑफ द गार्जियंस। ये भी एक आरपीजी गेम है। गिल्ड ऑफ द गार्जियंस स्प्रेड हेडिंग द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द गेमिंग, स्टे इनफॉर्म्ड। देख सकते हैं आप, अभी इसका फिलहाल ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, प्री रजिस्टर फेस चल रहा है अभी। आपको इसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस डाल के प्री रजिस्टर कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं गेम प्ले आपको दिखेगा, देखने में आता है। यहाँ पे आप गेम की प्री अल्फा फुटेज देख सकते हैं। डिसेंट गेम लग रही है, फाइटर गेम लग रही है डिसेंट ग्राफिक्स के साथ, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है जिसको आप खेल के अपने एंड्रॉयड फोन पे अच्छी कुछ क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग कर पाएंगे। एपिक फैंटेसी आरपीजी गेम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई इस तरीके की आरपीजी गेम्स आ रही हैं जिनको आप प्ले करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेयर्स ने तकरीबन $100 बिलियन हर साल खर्चा करते हैं इन गेम आइटम्स के ऊपर। सो यहाँ पे कुछ व्हाइट पेपर निकल के आता है गिल्ड ऑफ द गार्जियंस का, पढ़ सकते हैं इसको क्लियरली आप यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं इनडेप्थ वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे जिस भी गेम्स पे आपका इंटरेस्ट हो उसके ऊपर आपको इनडेप्थ और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था पांच गेम्स का, उसमें से मेरे को कमेंट्स मिले हैं कुछ के, उसमें से मैं चेन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ एंड आप इस वीडियो में भी जिसके ऊपर कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड इनडेप्थ वीडियो लेके आऊंगा। स्टोर पे क्लिक करते हैं, इसके मेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज करने का ऑप्शन देख रहे हैं। टोकन कहाँ से कर सकते हैं, सुशी स्वॉप, ओकेएक्स एंड एफटीएक्स एक्सचेंज से आप टोकन परचेज कर पाएंगे। परचेज कर सकते हैं एनएफटी स्टेक लॉग। आप कुछ इसके एफएक्यूज पढ़ लेते हैं, एफएक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे। यहाँ पे जब देखा कि वो किसी ने सवाल किया व्हाट इज गिल्ड ऑफ गार्जियंस, गिल्ड ऑफ गार्जियंस मोबाइल आरपीजी वेयर प्लेयर कैन टर्न देयर गेमिंग पैशन इनटू एसेट्स। बेसिकली मोबाइल आरपीजी गेम है जिसके अंदर प्लेयर्स अपने पैशन को एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मोबाइल फैंटेसी एक्शन आरपीजी गेम होने वाली है जहाँ पे प्लेयर्स अपने ड्रीम टीम्स बना सकते हैं जिनको गार्जियंस कहा जाता है एंड कम्पीट कर सकते हैं अच्छे एपिक ट्रेडेबल रिवॉर्ड के साथ। मतलब आप प्ले करेंगे और उसके अंदर आपको अच्छे ट्रेडेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ट्रेडेबल रिवॉर्ड्स जो कि आप जाके ट्रेड कर सकते हैं आगे। क्या ये फ्री होगी? यस, प्लेयर्स कैन प्ले गिल्ड ऑफ गार्जियंस फॉर फ्री एंड एंजॉय व्हाट द गेम हैज टू ऑफर विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल सेंट। आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जाके उसको फ्री है बिल्कुल प्ले कर सकते हैं एंड कुछ भी आपको नॉट इवन ए सिंगल सेंट यू हैव टू स्पेंड ऑन इट। बिल्कुल फ्री है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि भाई फ्री मोबाइल एंड्रॉयड गेम है, iOS गेम है जो कि आप जाके मोबाइल पे अपने खेल सकते हैं। हाउ डू आई प्ले यहाँ मैं पूरा पढ़ेंगे तो मैं आगे चल के इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा इन डेप्थ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोबाइल गेम के ऊपर जो कि आती है मेटारन। मेटारन का ही तकरीबन मेटारन की थीम आप देख के यहाँ पर ग्राफिक्स समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेम्पल रन जो गेम हम लोग पहले शुरुआत में बहुत अच्छे से खेला करते थे, टेम्पल रन की थीम पे लग रही है और टेम्पल रन मैंने बहुत खेला है, मुझे बहुत पसंद था, तो मैं बहुत बेसब्री से इस गेम का वेट कर रहा हूँ पर्सनली। मेटारन मैं ज़रूर खेलूंगा जब भी आएगी ये फर्स्ट P2E एंडलेस मोबाइल रनर गेम विद NFT एसेट, जिसके अंदर आपको NFT एसेट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इन लोगों ने, यहाँ से आप गूगल प्ले पे जाके ले सकते हैं इसको। प्री रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है फिलहाल,
गूगल प्ले पे आपको यहाँ पे, तो ये भी कमिंग सून है गिल्ड ऑफ गार्जियंस की तरह, अभी लॉन्च नहीं हुई है, कमिंग सून में है एंड इसके ऊपर काफी लोगों की ऑलरेडी नजरें हैं। मार्केट प्लेस में आप देख सकते हैं इनका अपना एक मार्केट प्लेस होने वाला है जहाँ पे आप जो भी इनगेम अर्निंग्स होंगी, जहाँ पे आइटम्स होंगी, इनगेम आइटम्स होगी जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से NFT मार्केट प्लेस है, टोकनॉमिक्स यहाँ जाके देख सकते हैं क्या टोकनॉमिक्स हैं इसके। What is Amran? Amran is powered by its primary BEP20 utility and governance token Amran. Amran governance token है इसी गेम का अपना, क्योंकि आप जानते हैं जो भी आजकल गेम्स आनी है उनके अपने टोकन्स आ रहे हैं, इस गेम का अपना टोकन है Amran जो कि BEP20 से बैक्ड है। सो बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है ये, देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, सीड्स को प्राइवेट वन, प्राइवेट टू, स्ट्रैटेजिक, पब्लिक में कितने गए हुए हैं, इकोसिस्टम में कितने गए हैं, लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग में कितने, सारा यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली दिखा रखा है। मैं पर्सनली काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ इस गेम का, क्योंकि मेरे को इस तरीके के गेम बड़े टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं, जिस टाइम पास के अंदर आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे इसके अंदर। देन फाइनली नेक्स्ट गेम हमारी आती है जिसका नाम है नीनो कुनी, थोड़ा सा अजीब नाम है, नीनो कुनी क्रॉस वर्ल्ड, ये भी एक प्ले टू अर्न गेम है। यहाँ देख सकते हैं PC वर्जन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर पे भी मिलने वाला है ये, आप जाके यहाँ पे ले सकते हैं। गूगल प्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, ऑलरेडी 5 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके हो चुके हैं। ये भी एक तरीके का स्ट्रैटेजी गेम है जिसको प्ले करके आपको अच्छे आइलैंड्स पे मूव करके डिस्कवर करके चीजें आपको वहाँ पे कुछ इन गेम आइटम्स मिलेंगे, NFTs मिलेंगे जिनको आप लेटर स्टेज में जाके ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। सो ये भी एक अमेजिंग गेम है, ये गेम कमिंग सून नहीं, ये ऑलरेडी आ चुकी है, इसको आप प्ले करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं इसको अर्निंग इसके अंदर। कमेंट कीजिएगा जिस भी गेम के ऊपर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ इन डेप्थ वीडियो अबाउट दैट गेम कि उसको कैसे प्ले करना है, कैसे क्या क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन लास्ट गेम आती है टाइटन हंटर्स। टाइटन हंटर्स भी थोड़ा सा माइनक्राफ्ट की तरह ग्राफिकल गेम है, जब आपने जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट देखी होगी उन लोगों को पता होगा कैसे माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स हैं, उसी तरीके के कुछ ग्राफिक्स इस गेम के मिल जाते हैं आपको। देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये गेम देखने में, काफी फन गेम है, इसमें आप जाके खेल सकते हैं आराम से एंड अर्न कर सकते हैं कुछ अपने NFTs को, NFTs को बाद में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे जस्ट लाइक एनी NFT गेम। काफी सिंपल है, आप अदर प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, वहां पे इनके आइटम्स मिलेंगे आपको, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, देन उनको NFTs में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवेन्यू मॉडल देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसके दिखा देते हैं। इन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई डायब्लो वॉक्सेल सिग्नेचर लुक एंड फील ऑफ माइनक्राफ्ट से बड़ा इंस्पायर्ड है ये गेम टाइटन हंटर्स। इन्होंने इस चीज को खुद ही एडमिट किया है अपने व्हाइट पेपर के अंदर। गेम प्ले के अंदर आप अलग अलग एडवेंचर्स में इमर्स कर सकते हैं अपने आप साइड बाय साइड अदर यूजर्स के साथ फाइट कर सकते हैं माइटी टाइटन्स के साथ इक्वली, एंड हंटर रैंक अपनी रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं, जितने आप बॉसेस को मारेंगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक अपग्रेड होती चली जाएगी। यहाँ पे आपके कैरेक्टर के गियर सिस्टम्स हैं, यहाँ पे कुछ गियर्स हैं आपको जो कैरेक्टर्स के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। एंड देन रिवेन्यू मॉडल देख लेते हैं गेम टोकन का। रिवेन्यू मॉडल क्या है, सेलिंग इन गेम आइटम्स, इन गेम आइटम्स को आप सेल कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं आइटम फीस को, एंड देन कन्वर्ट कर सकते हैं टोकन फीस को एंड मार्केट प्लेस ट्रांजेक्शन फीस को भी। इस मार्केट प्लेस के ट्रांजेक्शन से भी आपको फीस मिलेगी, कन्वर्ट जब करेंगे टोकन को तब भी फीस मिलेगी, ऑडिट आइटम्स में भी एंड इन गेम आइटम्स को भी सेल करने पे आपको फीस मिलेगी। टोकन क्या है इनका, जैसे कि हर गेम का अपने NFT प्ले टू अर्न गेम का अपना टोकन होता है, वैसे इस गेम का टोकन है टाइटा टोकन है जो कि BEP20 पे है। BSC टोकन, बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन है ये भी, हैज अ मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 1 बिलियन की सप्लाई है, गेम टोकन होने के बाद भी इसकी सप्लाई 1 बिलियन की ही है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं टोकन फीस को उसके अंदर। एंड समन यूटिलिटी में क्या है, NFT आइटम्स हैं, ऑडिट है, कन्वर्जन है, आप मान लीजिए गेम आइटम्स को कन्वर्ट करेंगे जो रिवेन्यू मॉडल में कोई यहाँ पे मिलेगा उसको टीटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन मार्केट प्लेस से NFTs खरीद सकते हैं एंड उन NFTs को और आगे फर्दर बेच सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने इकोसिस्टम बना रखा है अपना रिवेन्यू मॉडल का। फ्री टू प्ले अर्न, इन्वेस्ट टू अर्न है, फ्री एंड फन टू प्ले गेम है, ट्रेड विद अदर गेमर्स फॉर प्रॉफिट, अदर गेमर्स के साथ प्रॉफिट के लिए चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। अपने जितने भी कलेक्टिबल आइटम्स आपको मिलेंगे उसके अंदर उन सबको NFT में किसी भी टाइम पे जाके NFT में मिंट कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं और इन टाइटन हंटर को ही इसके अंदर री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर शेयर बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये आगे की बात है जो आपको बाद में पता चल जाएगी। देन इनका रोड मैप आता है, ये काफ़ी चीज़ें हैं, इनकी टीम है, CEO आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, वी आर डू टाइप इनके CEO हैं जिन्होंने ये गेम डेवलप की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस गेम एंड दिस वॉज द वीडियो गाइज, जिसके अंदर मैंने आपको 5 ऐसी गेम बताई जिनको आप प्ले कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं NFTs एंड क्रिप्टो के अंदर।
एंड ये ट्रूली मोबाइल फ़ोन गेम्स हैं जो कि आप प्ले कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं ऐसे ही वीडियो और लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक एंड योर कमेंट डाउन, कौन सी गेम आपको पसंद आई है जिसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया, कोई भी वैल्यू मिली है वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप सब, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच, पीस आउट।